What's up, Inbirds? स्वागत है आप सबका एक और नई Pokemon Unite की वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तुम्हें EV Festival Challenge कैसे कंप्लीट करना है। तो बेसिकली हर हफ्ते तुम्हें न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। टोटल 5 यहाँ पर तुम्हारे स्टेज रहेंगे जो कि तुम्हें हर हफ्ते यहाँ पर पूरे करने होंगे, ठीक है। रैंडमली तुम्हें एक ईवी का यहाँ पर लाइसेंस मिलने वाला है जिसके तुम्हें यहाँ पर मिलने वाले हैं क्वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ग्लेशियन लिख रखा है और ग्लेशियन तुम लोग फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो। जो सा पोकेमॉन तुम्हारा खेलेगा उसको तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तुम्हें उसको ही कंप्लीट करने सारे के सारे चैलेंज कंप्लीट करने होंगे। उसी को पिक करके तुम्हें सारे के सारे चैलेंज कंप्लीट करने होंगे, तब जाके तुम अगले स्टेज पे बढ़ सकते हो। तुम्हें हर एक हफ्ता मिलने वाला है टू कंप्लीट दोस चैलेंजेस। यस, यू हर्ड दैट राइट। पूरा एक हफ्ता मिलने वाला है जिसकी मदद से तुम वो सारे के सारे चैलेंजेस कंप्लीट कर सकते हो। तो भाई यही रहने वाला है, इट्स गोना बी वेरी सिंपल इवेंट, ज्यादा कुछ क्रेजी नहीं है। और जिस जिसके चैलेंज कंप्लीट हो चुके हैं इस हफ्ते के, भाई कमेंट करके मुझको बता सकते हो कि यू कंप्लीटेड दैट इवेंट। अगर किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है इन कंप्लीटिंग दैट इवेंट तो मैं तुम्हें बेसिक चीजें बता देता हूँ, ठीक है। जब तुम यहाँ पर टैप करोगे किसी पोकेमॉन के ऊपर तो तुम्हें एक सिलेक्टेड पोकेमॉन का यूनाइट लाइसेंस मिलने वाला है और तुम उस यूनाइट लाइसेंस को तब तक यूज कर सकते हो जब तक ये इवेंट चलेगा। हर हफ्ते तक तुम्हें एक न्यू लाइसेंस मिलेगा सो यू कैन कंप्लीट दोस इवेंट्स। लेकिन जिसका यूनाइट लाइसेंस मिला है तुम्हें उसी के साथ सारे के सारे मिशंस कंप्लीट करने होंगे, तब जाके तुम्हारा ईवी फेस्टिवल चैलेंज कंप्लीट होगा। मैं दोबारा बोल देता हूँ, जिसका यूनाइट लाइसेंस मिला है उसी के साथ इवेंट कंप्लीट करना होगा। अदरवाइज तुम लोग अगले स्टेज तक नहीं बढ़ोगे। तुम लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो भाई किसका स्टेज 1 कंप्लीट हो चुका है। आई विल गिव हिम अ हर्ट। तो मैं तुमसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय। बहुत ही बढ़िया मौज करो।